गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 5:30 और मेरा काम स्टार्ट होने जा रहा है, क्योंकि आज मुझे बहुत सारे काम हैं। घर से लेकर बाहर तक का सारा काम ही पड़ा हुआ है। आज सिद्धार्थ की थोड़ी तबीयत भी ख़राब है, तो उसको लेकर मुझे भी हॉस्पिटल भी जाना है, वो भी दो दो हॉस्पिटल लेके जाना है, और खुशी को स्कूल भेजना है। तो मैं फटाफट पहले खुशी को स्कूल भेज देती हूँ, उसके बाद अपने सारे काम निपटाने के बाद 10:30 बजे तक मुझे फ्री होना है, तैयार होना है। 10:30 बजे मैं सिद्धार्थ को लेकर हॉस्पिटल जाऊँगी। सिद्धार्थ मेरा बेटा है और मैं उसको लेकर फटाफट हॉस्पिटल जाती हूँ, क्योंकि उसकी तबीयत थोड़ी ख़राब है, तो फटाफट घर के काम निपटा लेते हैं। मैंने गाय झाड़ू लगाने के बाद पोछा लगा लिया था, तो पोछा लगाने के बाद मुझे इतना पसीना हो चुका था, क्या बताऊँ। उसके बाद मैंने लगे हाथों अपने कपड़े भी धो लिए थे और उन्हें डाल भी रहा था, क्योंकि मौसम का कोई भी भरोसा नहीं है, कभी भी बारिश हो सकती है। तो जितने भी होंगे कम से कम सूख जाएंगे। स्कूल के कपड़े भी थे बच्चों के और स्पोर्ट्स के कपड़े भी थे, क्योंकि मुझे आज जाना भी था हॉस्पिटल, इसलिए मैं अपना फटाफट काम निपटाते गई। उसके बाद मैंने किचन में नाश्ते के जो बर्तन थे वो भी धो लिए थे, जैसे कि आप देख रही है मैंने फास्ट करा है और मैं फटाफट अपने बर्तन धोते जा रही हूँ। Thank you.
तो बर्तन धोने के बाद मैंने अपना सिंक को भी साफ कर दिया था, क्योंकि सिंक भी गंदा होता, तो मैंने कल लगे आता हूँ सिंक को भी साफ कर देती हूँ। तो फटाफट मैंने अपना सिंक को साफ करा और किचन क्लीन करने के बाद बर्तनों को वहीं पे रहने दिया जो गीले थे, बाद में उसको करने के बाद वो सूख जाएंगे। उसके बाद मैंने कल ये बनाया था, कैसा लगा ज़रूर बताना। और अब मैं निकलने वाली थी। तो गाइस मेरा काम सुबह का हो चुका है, तो मैं अभी जा रही हूँ सिद्धू को लेके हॉस्पिटल। और सबसे पहले मैं उसको उसका पेट वो दिखाऊंगी, गला, उसको जुकाम और खांसी बहुत ज़्यादा हो रहा है। उसके बाद फिर मैं जाऊंगी आईज़ वाले डॉक्टर के पास। हेलो बोलो। हेलो। तो ये हस्बैंड भी आ गए हैं जिम से, बस से अपना नाश्ता करेंगे और हम लोग चलते हैं, मिलते हैं आपको हॉस्पिटल। अपने घर के पास जो हॉस्पिटल था वहाँ पे मैंने सिद्धू को दिखाया और बस उसके बाद ये वापस घर को आ रहा था। उसके बाद हम इनका सब हम लोग निकल रहे हैं आँखों के हॉस्पिटल में सिद्धू को दिखा के, देखते हैं। खांसी बहुत ज़्यादा हो रही है इसको ना, इसकी वजह से। हाँ मौसम भी ठीक है लेकिन गर्मी बहुत है। तो एक डॉक्टर तो सिद्धू को मिला ही नहीं, वेंकटेश्वर में OPD में है। अब हम जा रहे हैं दूसरी साइड दूसरे डॉक्टर के पास दिखाने के लिए, वरना फिर कल की छुट्टी लेनी पड़ेगी इसकी। मेरा काम अभी भी नहीं हुआ, हमें सेंटर फॉर साइड मिला नहीं यहाँ पे। अब हम दूसरी जगह जा रहे हैं सेंटर फॉर साइड के मेन ब्रांच में, तो अब मिलती हूँ मैं आपको वहाँ। यहाँ पे आने के बाद बस हम अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे और उसके बाद डॉक्टर साहब ने सिद्धार्थ की आँखों में दवाई डाल दी थी, बस अब वेट कर रहे हैं। 2 घंटे तक उन्होंने बोला था बैठे रहना। अब बस इसके बाद हम घर को आ गए और इतनी बुरी तरीके से थक चुके थे। 3:30 बजे हम लोग घर को आए हुए हैं और 3:30 बजे हम घर पहुंचे हैं। बस मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।